तरह सड़कें भी देश के विकास का आईना है। प्रदेश सरकार का दावा है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। सच्चाई भी है कि सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राजस्व का एक बड़ा हिस्सा गड्ढा मुक्त सड़क के दावे को सही साबित करने में खर्च भी किया है। अब वह बात अलग है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हुई या नहीं हुई। सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क के दावे की हकीकत क्या है, नागरिकों को क्या गड्ढा मुक्त सड़कें मिल सकी हैं, इस हकीकत और सच्चाई को बयां कर रहे हैं आजमगढ़ के बूढ़नपुर के लोग। बूढ़नपुर से अंबेडकर नगर जाने वाली सड़क पर हाथ उठाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग प्रदेश के उस सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जिसका दावा है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन सच्चाई तो इससे उलट है। जनता सड़क पर बने खतरनाक गड्ढे से आज ही जा चुकी है, रोज लोग चोटिल हो रहे हैं, जान भी जा रही है, फिर भी विभाग मानने के लिए तैयार नहीं है कि सड़क पर गड्ढे हैं। चलिए परिचय दीजिए, क्या नाम है? अंकित कुमार गुप्ता, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि गौरा हरदोई। अच्छा बताइए, आपके यहाँ जो बूढ़नपुर से अतरेट जाते हुए अम्बेडकर नगर जाती है पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, कई जगह रोडों में दो दो फीट गड्ढे, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? यह जो रास्ता है पहले बहुत बुरा हाल इसमें हो चुका है। इस रास्ते में आने जाने पहले हम लोग को यहाँ बूढ़नपुर से अतरेट ठाने में मात्र 3 से 4 मिनट लगता है, जिसके अभी इस समय आने में कम हम लोगों को 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है और आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही है। अच्छा, इसके पहले भी कोई घटना हुई है? घटना इसमें रोज़ कम से मान चलिए आप जब से रास्ताएं जैसे देखा जाए अगर कम से कम 2-3 महीने से लगातार ही कुछ कोई ना कोई दुर्घटनाग्रस्त होते जा रहा है। कब से टूटी रोड है? काबिले गौर बात तो यह है कि इस रोड से चुने हुए जनप्रतिनिधि लग्जरी गाड़ियों से गुजरते हैं जिन्हें गड्ढा होने का एहसास भी नहीं हो रहा है। मानता हूं साहब, इन चिल्लाने वाले आम आदमी की ज़रूरत आपको 5 साल बाद पड़ेगी, फिर भी सुन तो लीजिए इनका दर्द क्या है। ये कितने सालों से है ये गड्ढा? ये लगभग 1.5-2 साल से है। 1.5-2 साल से? तो यहाँ के जनप्रतिनिधि मतलब जैसे विधायक हुए, सांसद हुए, इनका प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान नहीं दे रहा, आना जाना सबका, हम सरकार की मंशा है कि प्रदेश की सारी सड़कें जो है गड्ढा मुक्त हो। जी, जी। तो यहाँ पे दीपक दिखा रहा है सरकार के योजनाओं को, और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, क्या कहना चाहते हैं, यही अपील करना चाहते हैं सरकार से कि इसका निर्माण कराया जाए जल्द से जल्द।